नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस से जेएल माथा और आज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं वायरलेस ब्लूटूथ वाईफाई। ब्लूटूथ वाईफाई डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे अपना कंप्यूटर में, विंडोज 7 या विंडोज 8। यहाँ पे आपको प्लग इन प्ले नहीं होता फ्रेंड्स, तो इसमें कैसे करके इसको ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे और कैसे करके इसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे, इसके बारे में आज वीडियो पे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे विंडोज़ जो 7 और विंडोज 8 है, यहाँ पे ब्लूटूथ या वाईफाई जो कार्ड है, वाईफाई कार्ड लगाने के बाद इसका ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल होगा और कैसे करके इसमें इंटरनेट एक्सेस होगा, इसके बारे में वीडियो पे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आप लोग को दिखाना है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, दिस पीसी में राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे जाते हैं। मैनेज पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर जो मैनेज है, मैनेज पे गए, जाने के बाद यहाँ देखिए डिवाइस मैनेजर पे जाते हैं, डिवाइस मैनेजर पे गए, डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद देखिए वाईफाई जो दिख रहा है यहाँ पे 802.11n जो है ये वाईफाई का ड्राइवर है। तो ये जो है कि यहाँ पे ये येलो कलर का ये में है, इसका मतलब ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे इस ड्राइवर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये आप लोग को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर ये जो है वाईफाई डिवाइस जो है, इसके साथ एक छोटा सा सीडी आता है, आप लोग सीडी को इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा लैपटॉप या कंप्यूटर पर। लैपटॉप में तो जनरली वाईफाई दिया रहता है, अगर आपका वाईफाई कार्ड ख़राब हो तो आप इस एडाप्टर को यूज कर सकते हैं, और डेस्कटॉप है तो उसको वाईफाई इजीली आप लोग कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू से। तो फ्रेंड्स छोटा सा देखिए, वो जो सीडी था उसको मैंने इंसर्ट किए, करने के बाद इसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन करा। तो यहाँ जो सेटअप फाइल है फ्रेंड्स, उस सेटअप फाइल को रन कराना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी चल रहा है फ्रेंड्स। तो सेटअप होने के बाद देखिए आप लोग को पूरा कम्प्लीटली दिखा रहा है। अगर आपके पास सीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड करके विंडोज 7 के लिए या विंडोज 8 के लिए आप लोग को इसका ड्राइवर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वाईफाई ये बहुत सारे कंपनी के आता है, जैसे डिजिसोल, डी लिंक या कोई भी हो, आपको सब सभी का ड्राइवर इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जनरली गूगल पे सर्च करने से भी ये चीज़ नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है इस ड्राइवर के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा जहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड करके अपना इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए ये जो है रियलटेक यूएसबी वाईफाई लैन ड्राइवर है। तो वाईफाई यूएसबी वायरलेस का जो लैन ड्राइवर है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है मेरा। तो आप लोग बने रहिए मेरा चैनल पर, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिवाइस मैनेजर पर जाकर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है रियल टेक RTL वाला ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, वायरलेस लैन 802.11n USB 2.0 नेटवर्क एडाप्टर। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इधर चल ही रहा है और उधर ड्राइवर आपका शो होने लगा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे फिनिश्ड हो जाएगा, यहाँ पे जो वाईफाई का सिग्नल है वो सिग्नल भी आपका देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर, देखिए यहाँ दोबारा आप लोग को यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, जो है कि यूज़र पे जाकर राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, फिर इस कंप्लीट हो गया, फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि पहले यहाँ पे क्रॉस आ रहा था, अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल आ चुका फ्रेंड्स। तो यहाँ रेंज पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स जो है कि कोई भी वाईफाई अगर यहाँ पर रेंज पर मिलेगा तो उस वाईफाई एडाप्टर थ्रू से एक्सेस कर सकता है। तो मैंने अभी अपना मोबाइल का मैं वाईफाई को जो है कि ऑन कर देते हैं, एक मिनट में मोबाइल से ऑन करके फिर इसमें यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत सारे सेटिंग है, आप लोग सेटिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है कि देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, देखिए निरंजन डिवाइस दिख रहा है। तो ये जो है कि मोबाइल से अभी मैंने ऑन किया। तो फ्रेंड्स इसको मैं आप लोग को कनेक्ट करके भी दिखाऊँगा और पेज कैसे ओपन होगा ये भी करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसको पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड डाल के इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट इसको पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड डाल के इसको नेक्स्ट किए। तो देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरीफाइंग एंड कनेक्टिंग हो रहा है, 1-5 सेकेंड के अंदर भी कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कनेक्टेड।
तो ये डिवाइस के साथ ही आप ही कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वाईफाई कार्ड ख़राब है लैपटॉप में तो आप इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप को फुल्ली आप वायरलेस बना सकते हैं फ्रेंड्स इस एडाप्टर के थ्रू से। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।